There you have it. We have the lights and we move on to the question and answer session. Please raise your hands, identify yourself, the media house, and you can take a question. Our team will pass the mic around. We have a few hands up. Good evening. My name is Ravi Kumar and I am from Singh. Sawal mera. Can I ask? गर्मी का मेरा सवाल आपसे 60s का दौर था उस समय शम्मी कपूर साहब राज कपूर साहब उनका स्टारडम काफ़ी ज़्यादा था उस समय ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था इस समय बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जैसे हम देख सकते हैं गेम लॉन्च हुआ है और इस दौर में आप कपूर फैमिली में को आप रिप्रेजेंट करते हो तो हाउ डज इट फील और कितना स्पेशल है आपके लिए इस मौजूदा दौर में आपका स्टारडम सबसे ज़्यादा है कपूर फैमिली में तो हाउ डज इट फील थैंक यू सो मच बहुत अच्छा महसूस होता है कि आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली थैंक यू दैट आई कैन यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड रिप्रेजेंटेड एंड टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड लेकिन जहाँ आप गेम का सवाल कर रहे थे हाँ आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है तो फिल्म के साथ आप ये सब चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं बट काफ़ी कूल होता अगर शम्मी कपूर के दौर पर एक डांसिंग गेम होता उन पर या राज कपूर के दौर पर एक मैं आवारा हूँ टाइप एक वैगाबाउंड सड़क पर चल रहा है तो वो भी गेम काफ़ी कमाल का होता सो या आई फील लकी कि एटलीस्ट 50 साल बाद जब मैं शायद नहीं रहूँगा इस दुनिया में तो शायद मेरी जो आगे परिवार है वो शायद मुझे लेकर एक कैरेक्टर लेकर एक गेम खेल सकते तो थैंक यू नज़ारा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी रणवीर आपसे एक और सवाल है फैंटास्टिक ट्रेलर और बहुत ही अच्छा गेम भी है आप यहाँ ताज लैंड तक प्रमोट करने आए हैं तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सलमान खान से भी मिलने जाएंगे देखिए सर आई एम नॉट हेयर टू चैलेंज द लॉ और क्या बोल रहा है मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हैं बट ऑन अ पर्सनल लेवल यू नो वी हैव ऑल नोन मिस्टर सलमान खान आई हैव नोन हिम फॉर मेनी इयर्स और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक देयर इज अ ह्यूमन बीइंग विद अ बिगर हार्ट विद समवन जो बहुत कुछ करते हैं समाज के लिए थ्रू हिज फाउंडेशन बींग ह्यूमन एंड ऑल्सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट तो आई थिंक वी ऑल शुड बी इंस्पायर्ड बाई दैट वी शुड कैरी हिज दैट लेगेसी फॉरवर्ड ऑन आवर ओन पर्सनल बेसिस डू स्टफ लाइक दैट बट जहाँ लॉ का सवाल है और जो कुछ हो रहा है इस केस को लेकर आई रियली डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट रणवीर तो क्या रणवीर आप मिलने जाएंगे सलमान से अगर हो सके नहीं जी ऐसा कुछ प्लान नहीं बट आई विश हिम एंड हिज फैमिली ऑल द स्ट्रेंथ एंड विशेस टू ओवरकम दीस हार्ड टाइम्स दैट आर कमिंग रणवीर अनुष्का आप दोनों से सवाल है आलोक हियर फ्रॉम आस्तपुर खड़ा हूँ तो ये सवाल ये है कि आप अपने मोबाइल में कौन सा गेम खेलते हैं क्योंकि पिछले दिनों खबर भी आई थी कि आप शायद कैंडी क्रश के काफी दीवाने हैं अनुष्का आपके मोबाइल के गेम के बारे में भी जानना चाहते हैं एक्चुअली मैं काफी थोड़ा सेल्फ इन्वॉल्व थी एक समय पे तो मैं अपना खुद का बिकी का गेम खेलती थी जब मैं खुद पागल होती थी और मैं खुद चीजें कलेक्ट कर रही होती थी एक्चुअली इन अ वे इट्स अ बिग किक फॉर एन एक्टर कि आपको अपने खुद के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं गेम में जैसे इस गेम में भी है रणवीर का कैरेक्टर है दे हैव टोल्ड मी दैट दे आर डेवलपिंग माय कैरेक्टर लेटर ऑन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ऑब्वियसली सो इट्स ग्रेट फन आई प्ले पेट रेस्क्यू अलॉट एंड मैं काफ़ी हाई लेवल तक वहाँ पर पहुँच गई थी एंड ऑल्सो कैंडी क्रश ऑल्सो मैं काफ़ी ज़्यादा खेलती थी सो या अच्छा टाइम पास है बैठे हुए बोर हो रहे हो एक हफ्ते यू नो गेम निकाल के खेलिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है आपका फोकस बढ़ता है मैं ज़्यादातर कैंडी क्रश खेलता हूँ बट आई थिंक हम सबका ऑल टाइम फेवरेट रहा है स्नेक जो नोकिया फोन में होता था वो ऐसा गेम था जहाँ आई थिंक हम सबका इतना टाइम बर्बाद किया है उस गेम में बट ऑल्सो हमें इतनी खुशी भी दी है उस गेम में सो दैट हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट गेम स्नेक हेलो हेलो दिस अनुष्का शर्मा एक्टर राज आई लाइक टू आस्क यू व्हाट डू यू फील इज अ यूएसपी एज अ परफॉर्मर Sorry, I didn't hear you. What do you feel is your USP? My USP? Yeah. It's very difficult for me to say what my USP is. But I think I approach my work with a clear, you know,
it's my own beliefs that I take into my work. It's my own decisions. I don't depend on or I don't rely on what is happening, what works. I go with my complete conviction and, you know, my belief. And I have the strength to take it forward. But it's difficult, obviously, for me to say exactly what my USP is. If it's for people to kind of decide. And it's good if I don't know too much about myself. And I think it's always better for an actor to work in a certain amount of ambiguity of yourself and, you know, obliviousness of your own self. And I'd like to maintain that. Anushka, right here at the back, we've got Ranveer's comment on the Salman's verdict. Everybody has been speaking about it. A reaction from you would also be appreciated. I think what Ranveer said actually is exactly what I feel also. We cannot challenge anything that has been decided by an establishment, which is a judiciary. But yes, my feelings are with the Khan family and Salman, and I wish that they have a lot of strength at this very trying time. I wish them from my heart, you know, all the strength that they need to overcome this period. Ranveer, hi. While in the film, Anushka plays a love interest, whereas in the trailer towards the end, you are heard saying that Rosie ko main marunga. So what is the twist in the film? मैडम वही तो ट्विस्ट है अगर बोलूँ तो आप शायद नहीं देखोगे बट हाँ हमारे बीच में जॉनी और रोजी के जो किरदार हैं हमारे बीच में खूनकार प्यार यू नो हम वो ऐसी केमिस्ट्री हम दिखा रहे हैं इस फिल्म के जरिए कि वो इतना प्यार करते हैं इतने पागलपन से प्यार करते हैं कि खुद को मारते हैं गाली देते हैं और दो मिनट में चेंज कर प्यार भी करते हैं सो इट्स अ वेरी रियल वल्नरेबल वॉलेटाइल रिलेशनशिप लेकिन जो ट्रेलर में बोलता हूँ कि रोजी को कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको अपन मारेगा बस अपन आई थिंक वो कहानी का हुक भी है क्योंकि ये रोजी को मार भी डालता है और फिर उसके बाद क्या होता है सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म रणबीर यार रणबीर अनुष्का हाय आई एम सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नज़र कांग्रेचुलेशंस फॉर द गेम लॉन्च द ट्रेलर लुक्स वेरी ऑसम रणबीर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट दिस मूवी इज सेट इन 1960s सो व्हाइल शूटिंग इन दिस मूवी हैव यू एवर फेल्ट दैट यू रिविजिटेड दैट टाइम एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रोल Have you ever taken reference from your grandfather or great-grandfather? Paji, to be honest, ऐसे कोई references तो नहीं है, acting references. हाँ, जो look की बात है, तो हम ज़्यादातर references, photographs और जो भी छप चुका है, ज़िंदगी में हम उससे ही लेते हैं. तो शायद मैंने references राज कपूर, अलिया राज कपूर, किशोर कुमार, उनसे लिए थे. जहाँ set का सवाल है और 1960s, जब हम दोनों श्रीलंका पहुँचे और हमने देखा कि अनुराग और उसकी पूरी टीम ने पूरा सा बम्बई शहर क्रिएट किया था सेट पर आई थिंक इट वॉज 9 acres ऑफ लैंड एंड यू नो रोड्स बने थे बिल्डिंग्स बनी थी मरीन ड्राइव बना था बॉम्बे वेलवेट और जैज क्लब बन चुका था ट्रैम्स जा रहे थे रोड पे विंटेज कार्स थे जूनियर आर्टिस्ट वो 60s जैसे उनके यू नो अपने काम के लिए जा रहे थे तो एक माहौल ऐसा था कि बहुत ही बिलीवेबल था हमारे तो हमारा जो काम था बहुत आसान हो चुका था जैसे हम पहुंचे मुझे ऐसा लगा यार आई डोंट डिजर्व दिस यू नो मैं तो अभी शुरुआत की और इतनी बड़ी फिल्म इतनी बड़ी दुनिया मेरे लिए क्रिएट हो रही है तो आई फेल वेरी ब्लेस्ड आई फेल वेरी ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल एंड आई थिंक उससे आपका काम भी आसान हो जाता है और ऐसे नहीं कि हम पीरियड फिल्म करें तो हमें पीरियड एक्टिंग करने की ज़रूरत होती है जिस तरह से हम अभी हंसते हैं उस ज़माने भी वैसे ही हंसते होंगे जिस तरह से हम अभी रोते हैं उस ज़माने भी वैसे रोते होंगे तो आई थिंक जो पीरियड का जो माहौल है वो जो टेक्निकल टीम है उन्होंने हमारे लिए क्रिएट कर दिया है रणबीर और अनुष्का दोनों से सवाल है मदर्स डे आ रहा है तो मदर्स डे पे आप लोग अपनी मदर को कहाँ लेके जाना सर मेरा यही मानना है कि मदर्स डे ऐसा कोई दिन नहीं होता हर दिन मदर्स डे होता है हम जो भी हैं हम मेरा मम्मी के बदौलत है जो भी हमें सीख मिली है वैल्यूज़ मिले इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आई स्पेशली मी आई हैव बीन सो क्लोज टू माय मदर तो मुझे आपके कैमरा के जरिए तो उनको मिस करने की जरूरत नहीं मैं खुद उस दिन जाऊँगा उनके साथ टाइम बिताऊँगा बट आई थिंक ये जो मदर्स डे है ये एक फैड बन चुका है जो फूल वालों ने ऐसा एक दिन मनाया कि शायद आप उनसे फूल खरीदे और जो बट आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट मदर्स डे एवरी डे ऑफ आवर लाइफ दैट्स समथिंग वी शुड डू Yeah, you can't take family for granted. You can't take your loved ones for granted. So each day is family day, each day is Mother's Day, each day is Father's Day, Brother's Day, whatever day. So that is how you should celebrate. I would like to say that, I mean, also, we feel like, you don't, I mean, actually, I have really nothing to say. I started the sentence and then I told myself what I'm saying. That's it. Hi, Ranveer. If given a chance, which of your past movies you
Hi, Vaishali Chandra. If given a chance, which of your past movies would you like to see in a game version? Since it's a gaming event. I'll probably like to see that towel song from Savaria. I think the concept of the game is that you cannot drop the towel. Aap pura gaana naach ke dikha lekin towel nahi girna chahiye. I think that'll be interesting. Thank you. Hi, Ranbir. In the movie Bombay Will Bet, you have a lot of intimate scenes with Anushka. We normally play games, we do rate our partners, our friends. So how would you rate Anushka, and Anushka, how would you rate Ranbir in that matter? In the intimate scenes? In the kissing, you know. देखिए मेरा अगेन ये एक मानना है कि जो एक्टर्स किसिंग सीन करते हैं या एक्शन सीन करते हैं या गाने करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं होता. हमारे लिए एक्टिंग है, 100 लोग हमें देख रहे हैं, कैमरा हमें देख रहा है, तो ऐसे नहीं है कि आप उसका लुत्फ उठा रहे हो या उसका फ़ायदा उठा रहे हो. हम एक्टिंग कर रहे हैं. जब हम मर रहे होते हैं ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअली मर रहे हैं. तो ये एक्टिंग है. एंड थैंकफुली अनुष्का और मेरी दोस्ती फिल्म से पहले हुई थी तो बहुत ही कम्फर्ट था हमारे बीच में. ये एक्टर तो बहुत कमाल है, हम सब जानते हैं. बट आई थिंक जिस तरह की एक्टर है उसके अंदर कोई बैगेज नहीं है, कोई कोई जजमेंट नहीं है, बहुत खुला से काम करती है. और यही चाहती है कि यू नो फिल्म अच्छा हो, सीन अच्छा हो. आई थिंक जब एक ऐसा इंटेंशन होता है आपके सामने जो एक्टर होता है उस तरीके से अगर वो अप्रोच करते हैं अपने रोल को आपके लिए भी बहुत आसान से हो जाता है. बट आई थिंक अनुष्का कहना चाहेगी कि मेरे इंटीमेट सीन्स कैसे हैं. I don't kiss and tell. अनुष्का जी, इसे राजेंद्र सिंह फ्रॉम मकराना में जी. आपने NH10 आपने सब और क्यों बोला? वही फेमस. व्हाई? आज ही आप फेमस क्यों? पहले वो बोलो. अनुष्का जी, आपने फेमस के बारे में बता दीजिए. थैंक यू. नहीं अबे थैंक यू तो ठीक है, लेकिन फेमस हो क्यों? वही बता सकते हैं. आपके फैंस बताएंगे बाद में हमें. आपने एन एच टेन में बहुत जबरदस्त काम किया, अलग हट के पीके में वैसा किया. इस फिल्म से आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वही करोड़ आपने कि अच्छा काम किया. कुछ रोशनी दीजिए. हाँ, कुछ रोशनी डालिए इस रोल के ऊपर. देखिए मेरे लिए एक्चुअली ये जो किरदार है ये मेरी पर्सनालिटी से बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग है. सोच सिमिलर नहीं है. दुनिया को देखने का नज़रिया, लोगों के साथ रिलेशनशिप्स, इंस्टिंक्स एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है मेरी खुद की पर्सनालिटी से. तो मैं कभी भी अपनी खुद की जो पर्सनल इमोशनल रिजर्वॉयर्स होती थी उनमें उस पर मैं डाइव नहीं कर सकती थी इस फिल्म के लिए. तो मुझे एक अलग सोच लेके आनी पड़ी जो इनफैक्ट एक एक्टर का काम है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे चैलेंज मिला और ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों को अपनी 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 एक अलग रेंज दिखा सकती हूँ एज एन एक्टर. एंड आई होपिंग दैट लोगों को 15 मई के बाद वही लगे. 15 मई को फिल्म रिलीज हो रही है. I'm not a part of it, so I'm. You can ask Fan to know somebody about it. My question is for Nitish. Hi, here. Hi. I'm Ansi. How does it feel to make games for Ranbir and Anushka? Oh, it feels fantastic. I think you know we've had this great partnership with Fox Studios, and it's allowing us to plan and make games well in advance. You know, rather than 1 month or 2 months before the movie. And you know, with such talented actors, it gives us that much more enthusiasm and energy to you know make great games. Just to let you know a little bit of an insight, the Nitish's mentor is Shammi Kapoor ji. From the age of 16, he's been under the tutelage of Shammi Kapoor ji. So it must be unique for him too. Yeah, that was a great experience. It's a great experience. And with this, we come to an end to today's question and answer round. I will get you guys up for a photo for our photographers. And if time permits. Last question. Only for. Mushri ji. Hello, I'm Roshni from APP. Apart from this game launch, I want to ask you that. कि हाल ही में अभिजीत भट्टाचार्य ने एक ट्वीट किया है कि सड़क पे सोने वाले कुत्ते की मौत मरेंगे, तो ये आपके हिसाब से कितना सही है? मुझे भी एक्चुअली इसके बारे में नहीं पता है. तो वी विल हैव टू रीड अप अबाउट इट बिफोर वी मेक अ कमेंट ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. एंड वी डन. एनी मोर क्वेश्चन? ओके, थैंक यू. वी विल हैव यू गाइस अप फॉर अ फोटो ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन.